गाइस, आज मैं और टोनी स्टार्क जंगल में आए। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, लिटरली में ये एक जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत टाइगर्स रहते हैं। देखिए गाइस कितने खूबसूरत हैं। अब फ्रैंकलिन वो तो खूबसूरत हैं, लेकिन तेरी बैंड ना बजा दें, थोड़ा दूर से देखते हैं। मैं अपने ड्रोन से दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे हमारे प्यारे टाइगर्स हैं। एक ही तो कलर के हैं ये। अब दो कलर के हैं, एक इनका पीला कलर, एक ब्लैक है। लेकिन फ्रैंकलिन ये सभी आज इतने बड़े झुंड में यहाँ क्यों खड़े हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात सूरज को देखने आए हो। बात तो सही कर। अबे फ्रैंकलिन ये क्या हुआ? अबे मेरे सामने एक टाइगर गायब हुआ। क्या? ओह माय गॉड गाइस, ये क्या चल रहा है? ओह नो 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 गाइस, हमारे प्यारे टाइगर्स गायब क्यों हो रहे हैं? ओह गाइस, अगर आपको भी ये गायब होते हुए दिख रहे हैं तो कमेंट में यस लिखो। ओह नो, फ्रैंकलिन ये सच में गायब हो रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी होगी। अरे हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा इन बेचारे टाइगर्स के साथ कौन कर सकता है? गाइस इनको बचाने के लिए प्लीज जल्दी लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओह नो, मुझे कास कोई सुपर मिल जाए। हे अरे नहीं नहीं गाइस, आग लग रही है। अरे टोनी स्टार्क फायर एक्सटिंग्विशर ला। भाई मैं फायर एक्सटिंग्विशर कहां से लाऊं, हम जंगल में पिकनिक मनाने आए थे। ओह नो गाइस, बेचारे टाइगर्स में आग लग रही है। अरे नहीं, कौन मार रहा है इनको? कौन है यहाँ पर इतना बेरहम? गाइस मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, मैं यहाँ पर ना कुछ घास का इस्तेमाल करके इसकी आग बुझा। टोनी स्टार्क बचा मुझे। अरे मुझे में आग लग गई। अरे गाइस हेल्प मी, बहुत बुरी लगी। अबे फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है तू? होश में काम ले मेरे भाई, हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सोचना और समझना होगा कि इन टाइगर्स को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से निशाना कौन बना रहा है अपना। अरे मुझ में भी आग लग गई। ओह नो गाइस, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है फ्रैंकलिन। ये आग लगना, सूरज का कनेक्शन और साथ साथ में टाइगर्स का कनेक्शन, क्या मतलब है? गाइस कुछ तो गड़बड़ है, बेचारे टाइगर्स जल रहे हैं इतनी पूरी तरह से और मैं इनको बचा नहीं सकता। कोई है? कोई प्लीज इनकी मदद करो। सब बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं? ये क्या? टोनी स्टार्क मेरे सामने क्या है ये? बच्चे मुझसे डर मत, मैं एक सन टाइगर गॉड हूं। सन टाइगर गॉड? बिल्कुल, आज के दिन यहां के सारे प्यारे टाइगर्स मुझसे मिलने आते थे, लेकिन आज सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन सर ऐसा क्या हो गया? तुम सभी को सारे टाइगर्स की मदद करनी होगी, मेरी मदद करनी होगी, वरना दुनिया में सारे के सारे टाइगर्स सूरज की रोशनी से जलकर मर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? बताता हूँ, एक समय की बात है जब मैं 10-हेडेड सन टाइगर गॉड हुआ करता था। मेरे पास सूरज और साथ साथ में टाइगर्स की शक्तियां रहा करती थी। ओह माय गॉड गाइस, ये तो बहुत ही विशाल शक्तियां हैं। बिल्कुल मेरे बच्चे फ्रैंकलिन, ये सभी पावर्स का इस्तेमाल करके मैं सारे के सारे दुनिया के टाइगर्स को अपनी सूरज की ऊर्जा से शक्तियां दिया करता था, जिससे कि वो जंगल को हरा भरा रखे और यहाँ का कानून बना कर रखे मेरे बच्चों। लेकिन फिर क्या हुआ? एक साथ से वाइट टाइगर गॉड आया। वाइट टाइगर गॉड? ओह माय गॉड फ्रैंकलिन, वाइट टाइगर गॉड बहुत डेंजरस है। ओह माय गॉड, वाइट टाइगर गॉड कर क्या रहा है? उसने चाहा जितने भी पीले और काले कलर के टाइगर्स हैं उनको मारना। उसी वजह से उसने सबसे पहले मुझ पर अटैक किया, क्योंकि मैं उन सभी का गॉड जो ठहरा। ओह नो गाइस, हमारे सन टाइगर गॉड पर ये वाइट टाइगर गॉड बहुत बुरा अटैक कर रहा है, हमें यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसने अपनी एक एक करके आर्मी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो कम से कम 10 से 12 हिस्सों में बदल गया, लेकिन मैंने भी अपनी टाइगर्स की आर्मी बुलाई और अपनी गर्मी का इस्तेमाल करके उसकी आर्मी को तबाह करना स्टार्ट कर दिया। वाह, हमारा सन टाइगर जीतेगा। बिल्कुल गाइस, हमारा सन टाइगर गॉड जीतेगा और जितने भी ये वाइट टाइगर हैं ये पिटेंगे, क्योंकि ये गलत कर रहे थे। बिल्कुल मेरे बच्चों, लेकिन वो लोग कमजोर नहीं थे, बस दिख रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन वो एक एक करके बढ़ते जा रहे थे, इसलिए मैंने भी खुद की आर्मी को बुला लिया। मेरी टाइगर की आर्मी मुझे बचाने के लिए आ चुकी थी। ओह माय गॉड गाइस, अभी तो बहुत खतरनाक बैटल होने वाला है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मुझे ये बैटल देखने में इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कि जीतेगा कौन। जीत अच्छा ही की होगी टोनी स्टार्क, तू देखना। उसके बाद मेरे बच्चों, वाइट टाइगर गॉड ने अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके मेरे सारे टाइगर्स को एक एक करके नहीं, एक साथ मार दिया। ओह नो, ये तो बहुत गलत हुआ यार स्टार्क। बिल्कुल गाइस यार, कमेंट में प्लीज सन टाइगर गॉड ओपी लिखो, हमें सन टाइगर की मदद करनी होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए ये वाइट टाइगर गॉड क्या कर रहा है। उसके बाद वो मेरी अनंत शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे ही पूरी तरह से खत्म करने लग गया, और हजारों सालों का जो युद्ध था वो खत्म हो चुका था, और वाइट टाइगर गॉड बहुत पावरफुल हो गया मेरे बच्चों, और वो इतना बड़ा हो गया कि उसने दुनिया के जितने भी टाइगर्स हैं उन सभी को अपने वश में करना शुरू कर दिया। ओह नो, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक एक करके हजारों की तादाद में डेली टाइगर्स
मर रहे हैं, उनको बचा लो। ये क्या है? इस पोर्टल के अंदर जा मेरे बच्चे, तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे मिल जाएगा। फ्रैंकलिन मैं भी आ रहा हूँ, जल्दी आ स्टॉक, जल्दी आ। गाइस इस पोर्टल में जाके मुझे सन टाइगर गॉड की आर्मी को बचाना होगा, उनकी पावर्स वापस लाना होगा। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। स्टॉक बचा ले रहे, ये कहाँ पर आ गया मैं गाइस? ओह माय गॉड, ये दुनिया मुझे कोई नॉर्मल दुनिया नहीं लग रही है। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? मैं तो यहीं हूँ। अबे फ्रैंकलिन, फिलहाल तो हम यहाँ पर इस वाइट टाइगर गॉड की दुनिया में आ चुके हैं, और ये वाइट टाइगर गॉड कितना विशाल है, लिटरली में सन टाइगर गॉड तो इसके आगे बहुत ही छोटा सा है। बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इस वाइट टाइगर गॉड ने ही हमारे सन टाइगर गॉड की शक्तियाँ छीनी है, तभी इतना बड़ा हुआ है। एक मिनट टोनी स्टार्क, इसके मुंह के अंदर क्या है? इसके मुंह के अंदर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इसके हेड में कुछ छुपा हो। इसके हेड में कैसे देखें? उसके लिए मुझे ड्रोन। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, हमारे वाइट टाइगर गॉड के पास तो हमारे प्यारे सन टाइगर गॉड की सारी पावर्स हैं, हमें इनको किसी भी हालत में चुराना होगा। लेकिन यार इतना आसान नहीं है। ये क्या है गाइस? धरती पर तारे, पहली बार देख रहा हूं यार। खैर कोई नहीं टोनी स्टार्क, इनसे बचकर रहना। मैं तो जल्दी-जल्दी आगे जाता हूं और जाकर वाइट टाइगर गॉड की पावर्स चुरा के यहां से भाई चुपचाप निकल लेता हूं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन यार, कितने खूबसूरत तारे हैं भाई, देख तो सही इनको। लिटरली मैं गाइस मैं सोच रहा हूं एक तारा यहां से ले जाऊं और अपनी साइंस लैब पे जाके इस पे एक्सपेरिमेंट करूं और एक स्टार गॉड लेवल का आयरन मैन का सूट बनाऊं, मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये किसने मारा? मैं तेरे को खा जाऊंगा। अबे फ्रैंकलिन बचा, धोखा हो गया, ये तो व्हाइट टाइगर निकला। अरे छोड़ मुझे, मैं तेरे को मार दूंगा। तू यहां पर क्यों आया है इंसान? यहां पर इंसानों का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अबे फ्रैंकलिन क्या ही पीटा यार इसने मुझे। गाइस ये स्टॉक कहां पर चीख रहा है? पता नहीं, खैर कोई नहीं, मैं जल्दी-जल्दी आगे जाता हूं। ए स्टॉक कहां पर गया? मैंने उसको मार दिया। अबे तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये ले मेरे स्टॉक को मारता है। वाह फ्रैंकलिन, तूने मुझे बचा लिया भाई, वरना मेरी तो बैंड बजा दी इसने। ओह नो गाइस, इसने स्टॉक को पूरी तरह से अपाइज बना दिया। स्टॉक भाई उठ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये आइस टाइगर गॉड, व्हाइट टाइगर गॉड, ये सब के सब बुरे हैं, हमारी बैंड बजा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है फ्रैंकलिन, लेकिन यार मुझे यहां पर एक प्लान आया है। हमारे प्यारे सन टाइगर गॉड, क्या आप मेरे फ्रैंकलिन को कुछ टाइम के लिए सन टाइगर का सूट दे सकते हो? लेकिन उससे क्या होगा? ठीक है मेरे बच्चे, ये ले। अरे वो टोनी स्टॉक, तूने मेरे को ये सूट किस लाया? अब इसका इस्तेमाल करके जल्दी जा भाई, सूट लेकर आ। मैं हालत में नहीं हूं कि मैं यहां पे पावर्स चुरा पाऊं। समझ गया। ओह नो गाइस, ये क्या? सामने तो यार व्हाइट टाइगर गॉड की आर्मी है। ए चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मार देंगे। बहुत हुआ, हटो यहां से, मेरे दोस्त को तुमने अपाइज बना दिया, उसको इतना पीटा, मैं छोड़ूंगा नहीं। गाइस मैं इन सभी को पीटकर व्हाइट टाइगर गॉड की सारी पावर्स चुरा लूंगा और अपने सन टाइगर गॉड को वापस जिंदा कर दूंगा, मतलब ताकतवर बना दूंगा, जिससे कि हमारे जितने भी प्यारे टाइगर्स हैं जो सूरज का सम्मान करते हैं वो वापस जिंदा हो पाए। निकल यहां से, कभी भी अब सूरज किसी को शांति नहीं दे पाएगा, सूरज सबको जलाएगा। ना ऐसा कुछ नहीं है। अरे बाप रे, इसने तो मेरी भी बैंड बजा दी। टोनी स्टॉक भाई तू कहां पर है? टोनी स्टॉक, मैंने तेरी बैंड बजा दी, वो तेरा दोस्त कुछ नहीं कर पाएगा। ओह नो गाइस, ये क्या? फ्रैंकलिन हमारी मदद नहीं कर पा रहा है गाइस। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? नो गॉड प्लीज मुझे बचाओ। ओह नो गाइस, टोनी स्टॉक कहां जा रहा है? अबे फ्रैंकलिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये कहां पर आ गया? तू कौन है? अबे ये तो आइस टाइगर गॉड है, फ्रैंकलिन ने इसका जिक्र तो किया था, लेकिन गाइस ये क्या कर रहा हूं? मेरी धरती पर आना मना है तेरे लिए, समझा इंसान, निकल जाए से। अरे मैं कौन सा जान कर आया हूं गॉड? गाइस कमेंट में प्लीज जल्दी से, अरे बाप रे, फ्रैंकलिन हेल्प लिखो, फ्रैंकलिन मेरी मदद कर भाई, फ्रैंकलिन हेल्प मी। अरे भाई गाइस प्लीज। अरे वाह, मैं तो अपनी धरती पर वापस आ गया। अपनी धरती पर नहीं गाइस, मैं फ्रैंकलिन के पास आया हूं। टोनी स्टॉक बचा मुझे। गाइस मेरे पास एक आईडिया है, हेल्प मी सन टाइगर गॉड, प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए शक्तियां दो। गाइस कमेंट में हेल्प मी सन टाइगर गॉड लिख दीजिए, जिससे कि वो मेरी मदद कर दे। ठीक है बच्चे, ये ले। एक मिनट गाइस, मुझे तो सन टाइगर गॉड का आयरन मैन का सूट मिल गया भाई, अभी तो इन पावर का इस्तेमाल करके मैं इनकी बैंड बजा सकता हूं। अबे तू कौन है रे? कौन जोकर है तू? अरे मार रहा है तो हटो यहां से, मेरे दोस्त को तुमने पीटा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये लो। अरे वाह गाइस, टोनी स्टॉक को सन टाइगर गॉड आयरन मैन का सूट मिल गया है, क्या ही हाई लेवल का सूट है। देखा फ्रैंकलिन, मैं भी अब एक टाइगर गॉड बन चुका हूं। वेल तू यहां पर ठीक है भाई? वो सूट मुझे उतारना पड़ा क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। चल अच्छी बात है, लेकिन इसको जल्दी दोबारा पहन ले, क्या पता काम का जाए। बात तो तू सही कह रहा है। अरे हाँ, अब ये काम करने लग गया, क्या बात है। चल टोनी स्टॉक, इस बार ना हम एकदम छुप छुप के जाएंगे, अभी ना आगे व्हाइट टाइगर गॉड की आर्मी है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं भी एकदम छुप कर जाना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इनसे लड़ना मतलब मौत के मुंह को गले लगाना। इसका क्या मतलब है? वो जो छोड़, जल्दी आगे बढ़। ओके जा रहा हूँ मैं आगे। ऑलराइट गाइस, आगे देखिए। अरे नहीं, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? पकड़ो रे इसको, मारो सबको। अब फ्रैंकलिन ये क्या? अभी क्या होगा हमारा? अब तो वो ही होगा जो मंजूर है, इसकी आर्मी होगा। तुमको कच्चा खा जाऊंगा मैं। अरे बाप रे, कितना बुरा मारता है। चलो रे उनको जला दो। बाप रे फ्रैंकलिन, अभी तो तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, मैंने अपनी सारी शक्तियां यूज कर ली सूट की।
की, लेकिन तेरे पास भी पावर है, जा अपनी सन टाइगर की पावर दिखा दे। बात तो तू सही कह रहा है स्टार्क। गाइस अभी मैं पूरा ध्यान लगा के गर्मी पैदा करने वाला हूँ, ये लो। अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ रहे। अरे गर्मी, अरे हम तो इनको जलाने वाले थे, ये हमको जला रहे हैं। पापा जी, अरे बॉस बचाइए, ये क्या हो रहा है। अरे वाह गाइस, मैं एक सन टाइगर गॉड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गर्मी प्रोड्यूस करके इन सभी की बैंड बजा रहा हूँ। क्या बात है गाइस, वाह फ्रैंकलिन वाह। अभी मैं जल्दी जाता हूँ और यहाँ पर बचे कुछ व्हाइट टाइगर यामी को पीटता हूँ। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, तो जाके सीधी पावर चुरा। बात तो सही कर रहा है। एक मिनट, ए तू कौन है। मैं हूँ यहाँ पे टाइगर सन आयरन मैन और तुम सबकी बैंड बजाने वाला। क्या बात है गाइस, मैंने क्या हीरोइक वेमेन को मारा, ये लो। वाह मेरे अंदर तो सन की एनर्जी भी आती है। गाइस अभी काम करता हूँ, ये जितनी भी हमारे सन टाइगर की पावर्स है मैंने इनको यहाँ पे चुरा लिया। फ्रैंकलिन बड़ी जोर से लगी। टोनी स्टार्क तू ठीक है। बिल्कुल भाई मैं ठीक हूँ, हमें जल्दी निकलना होगा। बिल्कुल चल, पूरी स्पीड में चलते हैं। गाइस टोनी स्टार्क और मैं यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। ये उठाया उसको और ये मारा और ये मारा और ये मारा और ये मारा। गाइस मैंने यहाँ पर व्हाइट टाइगर गॉड को सबक सिखा दिया है। वैसे तो ये छोटा सा हो गया था पहले से ही, लेकिन फिर भी उसको पीट के मैंने उसकी और बैंड बजा दी। चलो अब जल्दी यहाँ पे अपने वर्ल्ड में चलते हैं। ऑल राइट गाइस, हम यहाँ पर वापस से सन टाइगर गॉड के पास आ गए। वाह मेरे बच्चों, तुम वापस आ गए। बिल्कुल सर, और हमने व्हाइट टाइगर गॉड को सबक सिखा दिया। बिल्कुल बढ़िया मेरे बच्चों, यहाँ पर ये सारी पावर्स का इस्तेमाल करके मैं वापस बड़ा हो जाऊंगा और मेरी गर्मी से जितने भी टाइगर्स मरे सबके सब जिंदा हो जाएंगे मेरे बच्चों। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, हमारे सन टाइगर गॉड को देख कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं ये। वाह मेरे बच्चों, मैं तो फिर से फुल्ली साइज का जायंट सन टाइगर गॉड बन गया हूं। और एक मिनट, पर पहले हमारे सन टाइगर गॉड गाइस 10 एडिट हुआ करते थे ना, अगर हुआ करते थे आपको याद है तो कमेंट में यस लिखो, कितने बच्चों को याद, मैं देखना चाहता हूं। ये बात तो सही कह रहा है फ्रैंकलिन। तो लेकिन एक मिनट, हमारे सन टाइगर गॉड के हेयर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे ऐसा है ही भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस, हमारे सन टाइगर गॉड फिर से 10 हेडेड हो गए। बच्चों चलो अब सारे टाइगर्स को जिंदा करते हैं। ओ माय गॉड गाइस, टोनी स्टार्क देख, यहां पर जितने भी प्यारे प्यारे टाइगर्स थे अभी हमारे सन टाइगर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इनको जिंदा कर रहे हैं। वाह फ्रैंकलिन, ये तो फिर से हंसते खेलते टाइगर्स। अभी सोचो इनका कलर इतना पीला क्यों है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं, हम सभी उससे ऊर्जा लेते हैं। बच्चों अब तुम्हारे गिफ्ट का समय आ गया है। टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन के पास गाइस पहले ये वाले सूट थे, लेकिन अभी मेरे पास जायंट सन टाइगर आयरन मैन का सूट है और एक सन टाइगर हल्क फ्रैंकलिन का भी सूट है। बिल्कुल गाइस, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।